चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम देखते हैं किस तरह से इजी तरीके से हम किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये लास्ट नंबर है इसे आपको एज इट इज लिखना है और फिर उसके बाद इस वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करेंगे और यहां पे लिख देंगे, फिर पीछे वाली वैल्यू छोड़ते चले जाएंगे और नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करेंगे उससे नेक्स्ट वैल्यू में। आगे कुछ नहीं है तो वन में कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी, वन एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ गया 12 × 11। इसी तरह से हम आगे मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले पीछे 3 है तो 3 एज इट इज लिखेंगे, फिर इसमें 5 ऐड करें तो ये हमारा 8 आ गया और 3 को छोड़ देंगे, फिर 5 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा 6 आ गया और फिर 1, आगे कुछ नहीं है तो कोई ऐड नहीं होगा तो ये 1 आ गया। इस तरह से ये मल्टीप्लाई होगी 153 की 11 से। अब यहां पे मल्टीप्लाई करें 11 से तो सबसे पहले 6 एज इट इज लिखेंगे, फिर इसमें 4 ऐड करें तो ये 10 हो गया। तो 10 में दो डिजिट हैं तो एक डिजिट यानी कि 0 यहां पे लिखेंगे और 1 जो है वो कैरी हो जाएगा, 4 और 1 ऐड करेंगे और 1 हमने कैरी किया था तो ये 5 हो गया और 1 कैरी हुआ था वो 6 हो गया। अब 4 छोड़ देंगे तो 1 में आगे की वैल्यू 2 जो है वो ऐड करेंगे, ये 3 हो गया। अब 1 छूट जाएगा, 2 में आगे कोई वैल्यू नहीं है इसलिए फर्स्ट प्लेस पे हमारा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू को इजी तरीके से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद है आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।